नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। 2020 क्या आया, जैसे कि पूरे विश्व में हाहाकार मच गया। हर तरफ एक मारामारी है, महामारी है, और हर कोई बहुत अनसर्टेन है कि होगा क्या, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कब ये बीमारी दूर होगी, कब लोग ठीक होंगे, कब हम वापस पुरानी जिंदगी जी पाएंगे। इन सभी बातों को मेरे दिमाग ने भी बहुत सोचा और बहुत मैंने इस बात का एनालिसिस किया, मंथन किया और सोचा कि ज्योतिष का, एज एन एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि मैं आप सभी को बताऊं कि ये आखिर इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगी कि क्या है 2020 का राहु कनेक्शन। आखिरकार हर तरफ इतनी अनिश्चितता, इतनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी क्यों फैली हुई है। हर कोई पूछ रहा है कब ठीक होगा ये सब, कब अपने ढर्रे पर आएंगी पुरानी सारी चीजें। तो आज इसी को एनालिसिस करने के लिए आपके सामने, आज मैं 2020 के राहु कनेक्शन को समझाने के लिए ज्योतिष और अंक ज्योतिष दोनों का सहारा लूंगी। ज्योतिष के हिसाब से इस वक्त राहु मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु इज ट्रांजिटिंग ओवर जेमिनी, जो इनकी मूल त्रिकोण राशि है। ट्रांजिट क्या होता है? हर वक्त जोडियाक में सारे प्लैनेट्स हमेशा मूव करते रहते हैं और एक सर्टेन पीरियड के बाद वो उस साइन को क्रॉस करके दूसरे साइन में आते हैं। तो राहु और केतु जो हैं, डेढ़ साल के लिए एक साइन में रहते हैं, उसको हम उनका गोचर या ट्रांजिट कहते हैं। इस वक्त राहु जो है जेमिनी में है और केतु उसकी 180 डिग्री पर सेजिटेरियस में है। तो राहु जब जेमिनी में है या आप कहते हैं मिथुन राशि में है, ये इनकी राहु के लिए मूल त्रिकोण राशि है। वृषभ राशि में ये उच्च के होते हैं और मिथुन राशि में इनको मूल त्रिकोण राशि मानी गई है इनकी। मैंने एक अपने पहले वीडियो में बताया था कि मूल त्रिकोण राशि है क्या। मूल त्रिकोण राशि मेरे हिसाब से ग्रहों की वर्किंग वर्क प्लेस है। यहां पर ग्रह वर्किंग मोड में होते हैं और उच्च की अवस्था में वो अच्छे फल देने वाले होते हैं या थोड़ा रिलैक्स कर रहे होते हैं। तो राहु इस वक्त अपनी वर्किंग मोड में है। राहु जब वर्किंग मोड में होगा तो ये बहुत जरूरी है, लाजमी है कि भाई चीजें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाएं। राहु टॉक्सिक ग्रह है, जितनी भी धुआं, विषैले पदार्थ, वायरस, ये सब इसी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। जब कहीं धुआं होता है, क्या आप सी थ्रू कर पाते हैं? आप आंखें मलने लगते हैं, समझ नहीं आता उधर क्या है। यही आज पूरे विश्व की स्थिति है। स्मोक इज बीइंग क्रिएटेड बाय राहु, नोबडी इज नोइंग होगा क्या, कैसे ठीक होगा। तो ये तो है राहु का, 2020 का राहु का ज्योतिषीय कनेक्शन। अब अंक ज्योतिष से कैसे जोड़ेंगे? 2020 में चल रहे हैं हम लोग, 2020 यानी कि टोटल हुआ चार। चार नंबर राहु का नंबर है, नंबर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी ये साल जो है वो किससे रूल्ड है? राहु से। तो ये साल भी राहु से रूल्ड है। ज्योतिष में वो अपनी वर्किंग मोड की जो राशि है उसमें गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस वक्त ज़ोडियाक में राहु की स्थिति बहुत पावरफुल है, ये तो प्रूव्ड है। राहु के पास जब पावर होती है तो वो करता क्या है, आइए समझते हैं। पहले एक श्लोक पढ़ूंगी मैं और बताऊंगी राहु की ताकत को। ओम अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंह का गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम्। कि आधी काया है इनकी, जैसा कि हम सभी जानते हैं राहु जो है वो सर है, ड्रैगन्स हेड इसको कहा जाता है, और केतु को ड्रैगन्स टेल कहा जाती है। इनको सर्पेंट भी कहते हैं क्योंकि ये टॉक्सिक है, विषैले हैं। इनकी एक छोटी सी कहानी
शायद आप सभी को पता हो, जिनको नहीं पता है उनके लिए बहुत शॉर्ट में बताऊंगी। सुवर्णबाहु नाम का एक दैत्य राजा था, डीमन किंग था। जब समुद्र मंथन हुआ था, अमृत निकला, तो देवताओं ने डिसाइड किया कि ये अमृत वो लोग पिएंगे, जबकि मेहनत उस समय दैत्यों ने भी की थी। एक तरफ दैत्य थे और एक तरफ देवता थे। तो जब देवताओं ने डिसाइड किया कि अमृत वही पान करेंगे, तो सुवर्णबाहु ने रूप बदलकर वो देवताओं की पंक्ति में आकर बैठ गया और उसने अमृत पी लिया। अमृत पीने के बाद सूर्य और चंद्रमा ने उसको देख लिया और नोटिस करके विष्णु को कहा कि ये सुवर्णबाहु है, ये देवता नहीं है। तो विष्णु ने गुस्सा होकर अपने चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। इस तरह जन्म हुआ राहु और केतु का। ये माइथोलॉजिकल स्टोरी है, ज्योतिष में तो हम इनको शैडो प्लैनेट्स या छाया ग्रह कहते हैं, लेकिन मुझे इस स्टोरी से कनेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है और राहु के गुणों को समझने के लिए बहुत अच्छा लगता है। जिस व्यक्ति ने अमृत पी लिया और फिर आपने उसका शरीर धड़ से अलग कर दिया, तो आप उसकी छटपटाहट सोचिए, वो क्या क्या करना चाहता था, वो अमर होना चाहता था। तो राहु के अंदर एक छटपटाहट है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, धुआं है, उसको अपने बारे में ही निश्चितता नहीं थी कि अब उसका होगा क्या, तो वो कैसे विश्व को शांत रहने देगा। सो राहु इसीलिए अनप्रिडिक्टेबल है। बहुत वीर है, चंद्र आदित्य का विमर्दन मर्दन करने वाले हैं। चंद्र यानी कि मून, आदित्य मतलब सूर्य, सूर्य और चंद्र को मारने वाले यानी कि उनको ग्रहण लगाने वाले, एक्लिप्स करने वाले कौन है? राहु केतु। राहु कब चंद्रमा को ग्रहण लगाता है? पूर्णिमासी के दिन, जब चंद्रमा अपनी सर्वोच्च ताकत पर होता है। और सूर्य को कब ग्रहण लगाता है? अमावस्या के दिन, जब सूर्य ने दूसरी जो ल्यूमिनरीज है यानी जो दूसरा प्रकाश का ग्रह चंद्रमा है उसका भी प्रकाश कम कर दिया है। सूर्य काफी प्रकाशित है क्योंकि उसने चंद्रमा को भी कमजोर कर दिया है, उस वक्त वो सूर्य को ग्रहण करता है। यानी कि इस श्लोक को मैंने कहीं कुछ कनेक्ट करने के लिए आपको बताया। कहना ये चाहती हूं कि पूरे ब्रह्मांड में यदि दो ग्रह सबसे प्रकाशवान या ताकतवर माने जाते हैं, राजा और रानी माने जाते हैं, वो है सूर्य और चंद्र। सबसे ताकतवर ग्रहों को ग्रहण लगाने वाला ग्रह कौन है? राहु। यही राहु का वर्किंग मोड है। तो इस समय विश्व की जितने भी ताकतवर देश हैं उनको ग्रहण लगा हुआ है, क्योंकि राहु का स्वभाव आपका मान मर्दन करना है, आपको आपके ईगो को तोड़ना है, आपके अहंकार को तोड़ना है, आपको घुटनों पर लाना है। ये व्यक्तियों के साथ भी राहु ऐसा ही करता है। यहां पर हम मंडेन यानी देशों के विषय में बात कर रहे हैं। तो चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, सुपर पावर बनने की कोशिश में ये ग्रह, ये देश हर तरफ से लगे हुए हैं कि किस तरह से ये पूरे विश्व को जीत ले। लेकिन जैसे ही राहु अपने वर्किंग मोड में आए और उन्होंने विश्व को रूल करना शुरू किया, आप देख लीजिए किस तरह से वो घुटनों पर आए हैं। जिसके पास मिसाइल्स, एटम बॉम्ब्स, किसी की कमी नहीं है, अमेरिका, वो कोरोना पर कोई जोर आजमाइश नहीं कर पा रहा। इटली, जिसकी स्वास्थ्य व्यवस्था अभी मैं कल ही सुन रही थी विश्व में दूसरे नंबर की है, आज उसमें सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। दिस इज हाउ योर ईगो इज क्रश्ड एंड दिस इज वॉट इज राहु। इतने पावरफुल राहु को हम सभी को प्रणाम करना चाहिए रोज। और राहु को यदि हम जीतना चाहते हैं या राहु की सवारी करना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी है कि हम प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, अपने दिमाग को अपने बस में रखें, अपने सांसों पर अपना नियंत्रण रखें, तभी हम राहु को मात दे सकते हैं। मेडिटेशन और प्राणायाम राहु का बहुत बड़ा एंटीडोट है, रेमेडी है। ये आप सभी के लिए टिप भी है। जिस किसी की राहु की दशा चल रही हो, प्राणायाम कीजिए,
मेडिटेशन कीजिए, देखिए राहु किस तरह से आपके लिए पॉजिटिव हो जाता है। तो इस वक्त 2020 में बड़ी बड़ी शक्तियों का ईगो क्रश किया जा रहा है। ये सितंबर तक चलने वाला है, जब तक राहु अपनी उच्च राशि वृषभ में गोचर नहीं कर जाते तब तक वो शांति से नहीं बैठेंगे। एक के बाद एक देश इसकी चपेट में आएंगे, क्योंकि ये वायु तत्व राशि है, तेजी से पूरे विश्व में अपने पैर पसार सकती है। व्यक्ति विशेष के रूप में आप सभी से मेरा कहना है कि प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें और हर दिन शिव जी की थोड़ी सी आराधना अवश्य करें। आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा हो, ऐसी मेरी कामना है।